इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत में हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। गैस सिलेंडर और रेल टिकट यहां पर महंगे होने वाले हैं। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है और कह सकते हैं कि नए साल पर ये बड़ा तोहफा है। क्या क्या यहां पर बदलाव हुए हैं और क्या कुछ यहां पर महंगा हुआ है, आपको यहां पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो नए साल पर महंगे रेल सफर का टिकट हो गया है और साधारण नॉन एसी के लिए जो यहां पर रेट दर बढ़ाई गई है प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 पैसा, प्रति किलोमीटर के हिसाब से सेकंड क्लास के लिए स्लीपर के लिए 1 पैसा और फर्स्ट क्लास के लिए 1 पैसा। यहां पर साधारण नॉन एसी के लिए यहां पर किराया बढ़ाया गया है। मेल एक्सप्रेस नॉन एसी के लिए सेकंड क्लास के 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से, स्लीपर के लिए 2 पैसा किलोमीटर और फर्स्ट क्लास 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया। एसी क्लास के लिए सभी यहां पर जो कैटेगरीज है उनमें 4 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहां पर रेल टिकट जो है वो महंगा हो गया है। नए साल पर ये बड़ा यहां पर निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है गैस सिलेंडर के लिए, तो वो सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। 19 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ पर आपको नई दर 1 जनवरी 2019 मतलब कि नए साल से इसकी दरें बढ़ा दी गई है। ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा फैसला है वो है हवाई ईंधन की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। नए साल पर ये बड़ी खबर है कि 2.6% की यहाँ पर भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा नए साल पर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पीएफ के थ्रू अगर खुद तय कर सकेंगे अंशदान, लेन देन पर चार्ज नहीं लगेगा, ये बड़ा फैसला है। इसके अलावा रुपए यूपीआई में अब चार्ज नहीं लगेगा। एटीएम कैश के लिए ओटीपी का आपको प्रयोग करना होगा। डेबिट कार्ड चिप वाला कार्ड ही यहां पर इस्तेमाल में होगा। बीमा पॉलिसी जो है वो यहां पर महंगी की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कर्ज रेपो से जुड़ा कर्ज आपको 0.25% में सस्ता हुआ है। फास्टैग जरूरी होगा, अगर फास्टैग आपके पास नहीं है वो नहीं कराते आप, तो आपको डबल यहाँ पर टोल देना होगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ रही है कि नए साल पर इसरो की कसम है चांद पर रखेंगे कदम। ये बड़ा फैसला है कि चंद्रयान 3 अब यहाँ पर लॉन्च होगा और वो भी बिल्कुल सफलतापूर्वक। इसके लिए के शिवन ने इसरो ने यहाँ पर ऐलान किया है। अब चांद पर चंद्रयान 3 यहाँ पर लॉन्चिंग की तैयारियां यहाँ से शुरू हो चुकी है और 2020 में इसरो का मिशन चंद्रयान 3 यहाँ पर लॉन्च होगा, ये बड़ा फैसला है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 बहुत जल्द यहां पर लॉन्च होने वाला है और इसके लिए यहां पर शिवन ने कहा है कि ये चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से भी कम लागत में तैयार होगा। तो अगर आप हमारे शो विज्ञानों के लिए महान वैज्ञानिक मानते हैं तो शुभ को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन मिले इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।